fallen. I prayed for my downfall and I found a way to reconcile. Cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल वी एस के ब्लॉग में। और आज मैं हूं फुसरो के 50 VS में, जो कि यहां पे आपको देख रहे हैं स्टॉक में सब कुछ अवेलेबल है। और बाकी जो शोरूम से यहां पे वहां पे स्टॉक्स कम है, लेकिन TVS में यहाँ पर भरपूर शोरूम मिलेंगे। तो यहाँ के ऑनर हैं मिश्रा जी हैं, मुझे उनका फुल नाम नहीं पता, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आप यहाँ झारखंड से ब्लॉग करते हैं तो यहाँ पर आके देख सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, साथ में टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ TVS अपाचे 160 VS 46 के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, Go for your passion and live for your dream। तो अगर आप इस लॉकडाउन में मन बना रहे हैं कि मैं TVS का ये बाइक लूं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक्स में 1 से 2 बाइक हैं जिनकी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, डिलीवरी देनी है। तो अगर आपको ये बाइक लेना है तो आपको जल्द से जल्द बुक कराना होगा, जिससे कि आपको 15 दिन 20 दिन में डिलीवर हो जाए। तो ये देखिए, इसका वॉक अराउंड मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कुछ इस तरीके से दिखती है बाइक आपको ओवरऑल। अब आते हैं थोड़ी करीबी से। तो कंपनी ने देखिए कुछ चेंजेस किया है, जैसे कि इसका अगर बैक लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया हुआ है, हल्का सा, जो कि पहले अपाचे में और इसमें लग रहा है चेंजेस है। इसके इंडिकेटर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, साथ में आपको ये क्रोम फीचर्स के संग ये बैक का दिया हुआ है, आप फील कर सकते हो इसको। और पीछे आगे एंड पीछे दोनों ही में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। और इसके शॉकर की बात करूँ तो देखिए शॉकर भी काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, जो कि मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक के साथ है। एंड इसमें आपको RTR का साइन के साथ आप बहुत अच्छा पैड दे रहे हैं, जैसे कि आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं, आपका पिलियंस बैठता है तो उसका पैर गर्म नहीं हो उस वजह से। साथ में आपको यहाँ पे गियर शिफ्टिंग के लिए दे रही है देख ये पैडल, जो कि काफ़ी मजबूत दिख रही है। अब आते हैं इसके इंजन की ओर। इंजन जैसे कि मैंने बताया आपको 159 159.something cc का है। तो दोनों ही अब क्योंकि BS6 में आ रहा है ये, तो आपको BS6 में माइलेज अच्छा मिलेगा। कंपनी जो है इसका 12 लीटर की टंकी है, साथ में आपको दे रही है जो 2.5 का आप इसमें रिजर्व है, ठीक है। तो क्योंकि FI इंजन होने के साथ बहुत अच्छा माइलेज देगा आपको ये गाड़ी। अब आप आते हैं टंकी के पास, ये देखिए इसका टैंक। इसमें TVS ने दिया हुआ है काफ़ी अच्छा ग्राफिक, जो कि पहले के ग्राफिक्स में और अब में काफ़ी जो न्यू BS6 है इसमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के संग आ रहा है ये आपका। एंड अब आते हैं फ्रंट में। जैसे कि मैंने बताया आपको आगे और पीछे दोनों तरफ इसके डिस्क ब्रेक हैं, तो ये देखिए इसका डिस्क ब्रेक आगे और पीछे दोनों ही सुपर मोनो ABS के संग है। पहले आता था पहले में और अब में अब आया है सुपर मोनो के साथ। अब आते हैं इसके इंजन की ओर, इस साइड से आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको RT रेस ट्यून FI का साइन दे रखा है, साथ ही TVS, क्योंकि रेसिंग में आप लोग जानते हो कि TVS नंबर 1 है एंड यामाहा, सो इसी तरीके से इन्होंने अपना साइन दिया हुआ है। और ये इंजन का भी इंजन गार्ड का भी काम कर रहे, बहुत अच्छा इंजन गार्ड दिया हुआ है आप देख रहे हो, जिस जो कि अब के इस सेगमेंट की गाड़ी में मुझे ये देखने को बहुत अच्छा लगा। और बात करते हैं साइलेंसर की, तो मैं पहले आपको इस साइड से दिखा दूं ये साइलेंसर, क्योंकि BS6 है तो साइलेंसर की जो साउंड है और आवाज़ है वो काफ़ी स्मूथ है। और देखिए चेसिस नंबर पहले हमें यहाँ देती थी, अब कंपनी ने यहाँ दिया हुआ है साथ में QR कोड के साथ, ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि इसमें आपको तो चौक का जो सिस्टम होता है वो BS6 में नहीं है, वो आपको यहाँ पे देखने से ही पता लगेगा कि यहाँ पे चौक का कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ है। तो
काफ़ी अच्छे ग्राफिक के संग ओवरऑल गाड़ी है ये। और फ्रंट की बात करूँ तो आप देख रहे हो फ्रंट में कुछ ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। इसमें कई कलर अवेलेबल हैं, कलर की मैं आपको आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कौन कौन से कलर अवेलेबल है। और ये फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर आप फ्रंट से गाड़ी को देखते हो तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आते हैं हम इसके मीटर्स की ओर। चालू किया जैसे ही तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यूटन का साइन दे रहा है और यहाँ पे आपको स्पीड बताएगा। ये टीवीएस में भी किक नहीं है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी गाड़ियों में, ये जो आपका क्लच है एंड इसका ब्रेक है, ये दोनों ही आपको बिल्कुल मेटेलिक में दिया हुआ है जो कि और गाड़ियों में नहीं होती है। जो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और साथ ही अगर पीछे देखिए यहाँ पर भी RTR 160 का साइन दिया हुआ है कंपनी ने। एंड अब आते हैं हम गियर शिफ्टिंग के लिए। तो इसके गियर है आपके, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हो, फर्स्ट आपका फर्स्ट पहले डलता है एंड सेकंड न्यूटन एंड आपको पूरे टोटल संग आ रही है। तो चलो दोस्तों अब हम लेते हैं इसकी टेस्ट राइड। और ये इसका फ्रंट कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था एंगलिंग बनाने में, बट अब ठीक है। साउंड देखो कुछ ऐसा है, साउंड बहुत प्यारा है इसका। मैं एक बार आपको वैसे सुना दूँ टेस्ट राइड से पहले कि इसके साउंड किस तरीके से है। थ्रॉल, ये साउंड सुनो, देख रहे हो कितना स्मूथ साउंड है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके टेस्ट राइडिंग। फर्स्ट गियर आगे, बाकी सारे पीछे हैं। तो ये देखिए, आप झारखंड के तो रोड आप लोगों को पता ही है कैसा है, और उस रोड में भी काफ़ी कंफर्ट है इस गाड़ी में। तो अगर आपको 160 सीसी में मैंने चलाया है, जो बजाज की गाड़ियां हैं स्पोर्ट्स में NS, उसके टक्कर देने मैं कहूँगा TVS के मुकाबले कोई गाड़ी नहीं है। और इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है अकॉर्डिंग टू और इस सेगमेंट के जितनी बाइकें हैं उसमें। और अगर मैं बात करूं इसकी सिटिंग पोजीशन की, तो आपको एक स्पोर्टी सिटिंग पोजीशन का मज़ा देता है ये आपको ये गाड़ी। और इसका एक्स शोरूम प्राइस अगर यहाँ की बात करूं, वैसे मैं बता चुका हूं फिर बता दूं, तो यहाँ की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है दे रही कंपनी आपको 1,04,500 समथिंग का। एंड आपको ऑन रोड पड़ेगा 1,21,000 का। तो बाकी मैं, अगर झारखंड से आप बिलोंग करते हो यहाँ आना चाहते हैं शोरूम पे, तो जो मिश्रा जी हैं यहाँ के ऑनर, उनका मैं नंबर दे दूंगा, बता चुका हूँ। देखिए और ब्रेकिंग देखिए कितना स्मूथली ब्रेकिंग है इसकी, क्योंकि दोनों ही डुअल डिस्क के संग है, सुपर कॉम्बो है ABS। तो जो पहले के TVS में और अब में बहुत फ़र्क है। अब देखो मैं इसको स्पीडिंग दिखा दूँ आपको। ओ माई गॉड, आप देख रहे हो कितनी मस्त है स्पीडिंग। तो दोस्त मैं रिव्यू दे रहा हूँ, आपसे रेस नहीं कर रहा हूँ। तो आवाज़ सुन रहे हो आप इतनी साउंड इसका, क्योंकि BS6 है इस वजह से इसके जो साउंड है वो आपको पहले के TVS में और अब में ये दिखेगा कि इसका साउंड बहुत स्मूथ है पहले के मुकाबले। और अगर हम पीछे अगर कोई सवारी बैठती है उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में है ये, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो आगे जो पीछे बैठे हैं वो आपके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों डुअल ब्रेक है तो आपको दोनों एक संग लगाना है, तो उससे गाड़ी जो है टाइमिंगली सेम टाइम पे आपको रोक देगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था एक बाइक को चलाने में। हालांकि मुझे ऐसा फील हुआ कि जो इसका पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है औरों के मुकाबले, दूसरे जो इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं। और सिटी में इसकी माइलेज देखो, जो दावा कर रहे हैं वो 60-65 की दावा कर रही है कंपनी। और TVS की वैसे भी बाइकें काफ़ी अच्छी माइलेज देती है। तो अब हम बिल्कुल शोरूम के पास आ गए हैं। और आपको मैं एक चीज़ नहीं दिखाया हूँ इसमें, जो इसके मिरर है वो, क्योंकि मिरर निकाल के रखा हुआ है कंपनी में इस वजह से, तो इसके मिरर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये है सिर्फ TVS। सो हम आ गए हैं शोरूम में दोस्तों वीडियो को। तो ये थी इस गाड़ी जो मैंने अभी चलाया आपको, कुछ छोटा सा राइड लेके दिखाया है। तो चलो मिलते हैं मैन कैमरे। तो ओवरऑल इस बाइक का ये रिव्यू था दोस्तों मेरे एंड से। आप बताना आपको
क्या कुछ पसंद आया इस बाइक में और क्या आप लेने वाले हैं इस बाइक को, और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो शिव मोटर्स सिर्फ TVS आ सकते हैं, जो कि मिश्रा जी इनके ऑनर है, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। इसी तरीके से वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाना आपको जो भी कुछ बोलना हो इस गाड़ी के बारे में या फिर मेरे रिव्यू के बारे में। तो चलो खत्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में। एज ऑलवेज, गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।